पंजाब किंग्स ने आईपीएल में टी20 इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेज कर दिया। टीम ने मौजूदा सीजन के 42वें मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ 18.3 ओवर में 2 विकेट पर 262 रन बना दिए। ईडन गार्डन स्टेडियम में शुक्रवार को कोलकाता ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 261 रन बनाए। इस लीग का सबसे बड़ा रन चेज 224 रन का था, जो इस सीजन में राजस्थान ने कोलकाता के खिलाफ ही किया था। जॉनी बेयरस्टो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 48 बॉल पर नाबाद 108 रन की शतकीय पारी खेली। उन्होंने 8 चौके और 9 छक्के जमाए। कोलकाता से फिल सॉल्ट ने 75 और सुनील नरेन ने 71 रन की अर्धशतकीय पारियां खेली। पंजाब से अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। कप्तान सैम करन और राहुल चाहर को 1-1 विकेट मिला। रन चेज में प्रभसिमरन सिंह ने 20 बॉल पर 54 रन का योगदान दिया, जबकि जॉनी बेयरस्टो ने 48 बॉल पर नाबाद 108 रन की पारी खेली। वहीं शशांक सिंह ने 28 बॉल पर 8 छक्कों के सहारे नाबाद 68 रन की पारी खेली। कोलकाता से सुनील नरेन ने इकलौता विकेट लिया, एक बैटर रन आउट हुआ। 261 रन का टारगेट डिफेंड कर रही कोलकाता ने खराब गेंदबाजी की। टीम के 5 गेंदबाजों ने 15 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन लुटाए। रन चेज में पंजाब ने पावर प्ले की आखिरी बॉल पर प्रभसिमरन का विकेट गंवाया, लेकिन बीच के ओवर्स में विकेट नहीं आया। वरुण चक्रवर्ती ने 9वें ओवर की शुरुआती 4 बॉल में 5 रन देकर बेयरस्टो को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। 5वीं बॉल पर बेयरस्टो ने लॉन्ग ऑफ पर 6 लिए शॉट लगाया, जहां अनुकूल राय के पास कैच पकड़ने का मौका था, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। बॉल अनुकूल के हाथ में लगाकर बाउंड्री के बाहर चली गई। इसी 6 के साथ बेयरस्टो ने 50 पूरी की। बाद में बेयरस्टो को 108 रन बनाकर नाबाद लौटे।